अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफ़ी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार वणकम सत श्री अकाल। तो जो बेसब्री से इंतज़ार था सबको, स्टोन आइसलैंड, स्टोन आइसलैंड रील्स तो पूरे स्टॉक में आ चुके हैं। जैसे 4000, 5000, 6000 तीन सीरीज में स्टॉक आया है। पिछली बार जो आया था सिर्फ 6000 सीरीज में आया था, जो 25 किलो ड्रैग है, ड्रैग कैपेसिटी 25 किलो है जो 6000 सीरीज में। तो हम लोग सब मशवरा करके के स्नेक हेड एंग्लर्स भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे फिशिंग्स करते हैं, तो उनके लिए लाइट वेट भी और हर साइजेस लाने की कोशिश कीजिए बोल के रिक्वेस्ट करके। तो मेरे एक से नहीं होता है, सब लोग रिक्वेस्ट किए हैं शायद, तो तभी जाके 4000, 5000 दोनों साइज इस बार स्टॉक आया है। तो बहुत बेहतरीन रील है, जो अल्मीनियम बॉडी है। जैसे मैं बहुत बार बोला हूँ, लुकाना में एक ही रील ऐसा है जो सॉल्ट आइसलैंड, स्टोन आइलैंड, जो एक ही रील है उतने कम प्राइस में अल्मीनियम बॉडी का रील आता है, तो वो रील यही है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो में। और लुकाना कमाडो, कमाडो रील भी आया है, वो भी बताता हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टॉक हमारे पास क्या आया है। फर्स्ट स्टॉक आया है 4000 सीरीज लुकाना स्टोन आइसलैंड, स्टोन आइसलैंड। तो ये आप देख सकते हैं स्टोन आइसलैंड 4000 सीरीज। तो चलिए देखते हैं, इसका 7+1 बॉल बेरिंग है और मैकेनिक बहुत सारा है इस पर, तो आप देख लीजिए। बाकी जो भी डिटेल्स है मैं व्हाट्सएप पे क्लियरली दे देता हूँ। और इसका ड्रैग कैपेसिटी है 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। और गेयर इशू है 5.21:1। तो चलिए देखते हैं रील कैसा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है तो देखते हैं। और इसके साथ में आपको एक पोच भी दिया है जो रील सेफ्टी के लिए। और हमारा लुकाना का वो कोटेशन जो रील के पार्ट्स, हाँ रील के पार्ट्स, जैसे मैं बोला था बहुत जल्द हर आइटम में, हर रील्स में आपको शायद पार्ट्स आने का चांसेस है, तभी जाके पूरा ये कोटेशन आ रहा है। तो शायद मिल सकता है फ्यूचर में, बोले हैं कि एक सर्विस सेंटर ही ओपन कर रहे हैं तो पार्ट्स मिलेगा। तो इसमें एक आया हमारे पास ये वाला ड्रैग का एक वॉशर दिया है और ये दो वॉशर दिया है। जैसे चलिए रील देखते हैं, वो तो आते ही रहता है जाते ही रहता है। तो रील देखते हैं 4000 सीरीज में। हाँ रील बहुत लाइट वेट है, जो भी वेट है इसका मैं वेट करके अपलोड कर दूंगा कैटलॉग में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और पावर हैंडल के साथ आता है, पावर हैंडल, पावर नॉब सब। तो ये देख सकते हैं थ्रेडिंग सिस्टम है, 4000 सीरीज है। वाओ बहुत स्मूथ है, बहुत बेहतरीन है। ये पूरा हेयर में घुमा सकते हैं आप, इतना स्मूथ रील बनाया है, बहुत बेहतरीन। 4000 सीरीज है, लाइट वेट है, पूरा अल्मीनियम बॉडी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और शायद प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं रहेगा, प्राइस मैं अपलोड कर दूंगा स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे ही आप प्राइस भी देख सकते हैं इसका क्या प्राइस है। और 18 किलो ड्रैग है, पूरा अल्मीनियम, मीन्स आपको ये सब अल्मीनियम आता है, ये जो लेग है, लेग और एक कवर अल्मीनियम आता है। और ये जो रहता है ये फाइबर ही रहता है, पूरा अल्मीनियम मीन्स पूरा अल्मीनियम मत समझिए, ये फाइबर रहता है जो बेल्ला लाम का वो रोटेटर होता है वो वाला। और ये आपको मेटल आता है और अल्मीनियम हैंडल आता है और पावर नॉब के साथ आता है, बहुत बेहतरीन है। और आपको एक्स्ट्रा नॉब्स भी चाहिए तो हमारे पास लुकाना के ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है पावर नॉब, तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट, जब बता रहा हूँ तो क्लियर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं लुकाना का पावर नॉब, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ये भी मिल जाएगा। और इसका प्राइस भी मैं स्क्रीन पे देता हूँ, आप वो ले सकते हैं। और जैसे आप शौकीनदार हैं, कोई सी रील को भी चेंज करना चाह रहे हैं,
तो आप चेंज कर सकते हैं एक्स्ट्रा नॉब लेके, तो वो भी है मेरे पास। तो चलिए 4000 सीरीज़ हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं 5000 सीरीज़ कैसा है, क्योंकि 4000 लाइट वेट बहुत मस्त है, जो 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी। तो 5000 सीरीज़ का ड्रैग कैपेसिटी देखते हैं, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है और मैं इसका बारे में कुछ अभी जाना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो 5000 सीरीज़ में 25 किलो ड्रैग है, 25 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, प्राइस बहुत कम है, और जितना हो सकता है उतना जल्द बुकिंग कर लीजिए, खासकर ये रील्स, क्योंकि मैं मांगा एक एक साइज में 200 पीस, तो मुझे मिला सिर्फ 20 पीस, स्टॉक नहीं था तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जितना पिछली बार भी मैं ये अपलोड किया था, बस मैं अपलोड किया एक ही वीडियो, मुझे पता है मेरे हाथ से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मैं सप्लाई नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को, उसीलिए एक वीडियो अपलोड किया, बाकी जितना स्टॉक आया, जितना सबको देना था सबको दिया मैं, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं था मेरे लिए, 200-300 रील के करीब सेल हुए, वन डे में 30 रील मेरा रिकॉर्ड है, खासकर ये रील पे 30 रील, बहुत बेहतरीन रील आए। तो सेम है, जैसे पोच, उसमें सेम पोच आता है, वॉशर आता है, सब आता है। तो पावर हैंडल, पावर हैंडल, तो चलिए देखते हैं। 5000 थोड़ा बड़ा है, 4000 से बड़ा साइज है 5000 सीरीज में, तो ये देख सकते हैं, और ये इतना फ्री है, ऐसे ही घूम रहा है वो, तो ये देख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा डिज़ाइन जो बेल अलार्म का डिज़ाइन, और बहुत स्मूथ है, और ये स्पूल, स्पूल जो है, खासकर ऐसा जो स्पूल होता है बहुत लॉन्ग कास्टिंग करता है, बहुत लॉन्ग कास्ट करता है ये स्पूल्स खासकर, और इसका स्मूथनेस, स्मूथनेस में कुछ इसका तोड़ नहीं है, बहुत स्मूथ है और बहुत बेहतरीन रील है, और बहुत लोग इसको मांग रहे थे, तकरीबन 5 मंथ के बाद ये स्टॉक आया है, तो देखते हैं किस किस को स्टॉक मिलने वाला है, स्टॉक ज़्यादा नहीं है, जब तक स्टॉक है आपको मिलेगा, उसके बाद अगर पूछते हैं तो स्टॉक नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 4 में 5 में 20 पीस ही मिला है। हाँ चलो, रिक्वेस्ट करने के बाद 6 में मुझे 20 पीस एक्स्ट्रा दिए हैं, तो बढ़िया है, कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं, अच्छी बात है। तो जैसे मैं बोला 25 किलो ड्रैग है, सब सेम है, एल्युमिनियम बॉडी है, ये जो मैं बोला ये फाइबर रहेगा, और ये मेटल रहेगा, और हैंडल पावर नॉब प्लस एल्युमिनियम हैंडल रहता है, बढ़िया है। तो 5000 सीरीज और 6000 सीरीज में देख लेते हैं, तो इसमें हम एक ही बॉक्स ओपन करेंगे, बाकी एक बॉक्स नहीं ओपन करेंगे, बस ऐसे ही देख लेते हैं। तो 6000 सीरीज में ये भी 25 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, बाकी सस्पेंशन पूरा एक ही है, और गियर रोटेट 4.71 गियर इशू दिया है, बहुत स्लो रिट्रीव दिया है, बहुत बेहतरीन है। तो ये देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लियरली लिखा है, बाकी डिटेल्स मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, वहाँ चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए रील देखते हैं, 6000 सीरीज में 25 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, और तकरीबन 3000 चेंज रेंज में आता ही है, जितना मुझे याद है, क्योंकि 5 मंथ हो गया तो भूल गया हूँ मैं प्राइस इसका, जो भी है देखते हैं। तो वाह, और लाइन रेटिंग, शायद आप लाइन रेटिंग पूछ रहे होंगे, थोड़े लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, लाइन रेटिंग भी यहीं पे दिया रहता है, तो आप लाइन रेटिंग भी देख सकते हैं, हर साइज में लाइन रेटिंग चेंजेस रहता है, तो आप देख सकते हैं क्या लाइन रेटिंग है, और MM के साथ यहाँ अपलोड है, बाकी मैं वहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट्सअप, वहाँ पे भी क्लियरली दूंगा, तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 5000 सीरीज, ये भी बहुत मस्त है 6000 सीरीज, और ये प्राइस रेंज में इतना फ्रीनेस, इतना अच्छा रील, कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, थोड़े लोग को कंप्लेंट आए हैं, लेकिन मैं क्या वजह से आए हैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर एक टारगेट, हर एक ये अलग अलग होता है, तो जो है वो बताना है, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली 1% कंप्लेंट आया है मुझे ये रील में, बाकी किसी का कंप्लेंट नहीं आया।
और ये बताना भूल गया था पिछला वीडियो में, ये अभी बात करते करते याद आ गया तो बता रहा हूँ। तो ये जो ड्रैग है, ड्रैग साउंड होता है, ये मोल्डेड है, ये लाइफ टाइम है, ये आपका ड्रैग साउंड ये मोल्डेड रहता है, क्योंकि बहुत सारे रील्स में यहाँ पे एक प्लेट आता है वो जो कट हो जाता है, तो ये रील में वैसा नहीं है, मोल्डेड ड्रैग है। तो ये आप देख सकते हैं मोल्डेड ड्रैग, ये कभी भी आपको साउंड जाता नहीं है, कभी भी साउंड रहता है उसमें। तो जैसे मैं बोला अल्मीनियम, भूल गया मैं, हाँ याद आ गया, अल्मीनियम बॉडी है, फुल बॉडी अल्मीनियम, और 25 किलो ड्रैग कैपेसिटी। तो चलिए इसको रखते हैं। हाँ बस ये भी जैसे मैं बोला, ये बॉक्स भी 6000 सीरीज है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है, बाद में अगर कुछ एक बॉक्स छूट गया तो मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ओके 6000 सीरीज, ये भी वही है, तो छोड़ते हैं इसको। और ये वाला कमाडो, कमाडो 4000, 4000 सीरीज, और इसका भी ड्रैग कैपेसिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन ड्रैग कैपेसिटी है। तो चलिए ये देखते हैं, सॉल्ट वाटर कॉन्सेप्ट ड्रैग वॉशर, ये आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका ड्रैग कैपेसिटी आता है 15 किलो, 8+1 बॉल बेरिंग है। तो ये देख सकते हैं, शायद ये क्लियरली बता नहीं रहा है, तो मैं क्लियर फोटो अपलोड कर दूंगा कैटलॉग पे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो 4000 सीरीज में आया है कमाडो, और 5000 सीरीज, 5000 सीरीज इस बार स्टॉक नहीं आया है, क्योंकि उसमें थोड़ा शायद, मुझे कंपनी से डिस्कस भी नहीं किया हूँ, लेकिन जितना मुझे कस्टमर कंप्लेंट्स आए हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, शायद वो सोच के 5000 नहीं लाए इस बार, तो सिर्फ 4000 सीरीज लाए हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ, जब उनको भी ज़्यादा कंप्लेंट्स मिलते हैं तो वो लोग भी स्टॉप कर देते हैं, तो शायद इस बार उसी लिए वो स्टॉप किए 5000, सिर्फ 4000 सीरीज स्टॉक लेके आए हैं। तो बढ़िया है, जो अच्छा है वही लाएंगे तो और भी अच्छा है, ताकि सबको अच्छा चीज़ मिले। और लुकाना कमाडो, कमाडो 5000 सीरीज में, और ये देख सकते हैं साइज़ आप, बहुत स्लिम है, और ड्रैग कैपेसिटी 15 किलो है, 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी। और ये अल्मीनियम बॉडी नहीं है, नॉर्मल कार्बन बॉडी है, नॉर्मल कार्बन बॉडी। और स्मूथनेस, जैसे मैं बोलता हूँ, स्मूथनेस में कुछ कमी नहीं छोड़े ये लोग, बहुत बेहतरीन रील्स बनाए, खासकर ये दो रील बहुत बेहतरीन। और प्राइस रेंज भी कुछ हाई रेंज नहीं है, बहुत बेहतरीन प्राइस है। और बेल अलार्म देख सकते हैं, और हाई गेज में भी ये भी दिया है, बहुत बेहतरीन है। और बहुत लोग का कंप्लेंट था ये नॉब, नॉब स्लिप हो रहा है, तो आप लोग इसको ज़्यादा टाइट भी मत करिए, लूज भी मत करिए, उसको बार बार मत खोलिए, वैसे करने से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे है वैसे खेलिए, कुछ नहीं होगा। आप उसको ज़्यादा घुमाते काटते डालते करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। हाँ बहुत लोग ये करते हैं मैकेनिज्म, जैसे ही रील जाता है सब खोलना पाड़ना, क्या है क्या नहीं है देखना, करते हैं गलती, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो ऐसे करते मत करिए। जैसे आया है जितना उसको करना है, जितना सेटिंग्स करना है वो सेटिंग से आप लोग यूज़ कीजिए, कुछ नहीं होगा। बाकी उसको कुछ उंगली मत कीजिए, कुछ खोलिए मत, कुछ मत करिए, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर तक आपको उसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ग्रीजिंग सर्विस ग्रीजिंग जो होता है 1 ईयर तक जाता नहीं है, बहुत स्मूथ रहता रील। तो इसे मत करिए, कुछ उंगली मत करिए, जैसे आता है जितना काम है इसमें खेलना उतना करिए, तो कभी कुछ नहीं होगा। और इसमें इसमें लेग, ये लेग का भी प्रॉब्लम बहुत लोग का, बहुत लोग मीन्स मेरे कस्टमर में दो या तीन लोग का ये प्रॉब्लम आया लेग का खासकर, और मैं इसको तैयार भी करके दिया, जैसे पुट्टुर कट बोलते हैं उस तरह तैयार करके दिया मैं, तो काम कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और मैं बताता हूँ, रील टूटने की वजह, लेग टूटने की वजह वही है, आप कभी भी रॉड पकड़ते हैं इस तरह पकड़िए, ये दो उंगली ग्रिप दीजिए, ये उस सबसे बेस्ट स्पॉट होता है रॉड होल्ड करने का, बहुत ग्रिप रहता है, और आपको कास्टिंग में भी बहुत ग्रिप रहता है, और फाइट में भी ग्रिप रहता है।
तो ये क्या होता है, ये हम यहाँ पकड़ते हैं तो टोटल ग्रिप हमारे हैंड पे रहता है प्लस ये यहाँ पे रहता है, तो ये लेग पे प्रेशर नहीं पड़ता है, तब ये नहीं टूटता है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं यही रील नहीं, बाकी रील के लिए भी यही टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये करेंगे तो आपका रील ये कट होना, लेग कट होना बहुत कम चांसेस होते हैं, तो ये फॉलो कीजिए ज़रूर, आपके रील्स कुछ नहीं होंगे। तो बस जैसे मैं बोला 4000 सीरीज़ में स्टॉक आ चुका है, बस ये थोड़े थोड़े चीज़ हैं, और भी हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ समझाते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, वो फॉलो कीजिए, आपका रील्स रॉड्स कुछ नहीं होंगे। और चलिए देखते हैं, और भी बहुत सारा आइटम है, बहुत है मीन्स ये मुझे बाद में करना था, लेकिन अभी बहुत लोग ये मांग रहे हैं तो उसीलिए ये वीडियो मुझे अर्जेंटली बनाना पड़ा, और वीडियो अभी बन रहा है, अभी अपलोड हो जाएगा एक थोड़ी देर में, तो आप आज नाइट में ही ये वीडियो देख सकते हैं, कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए।